अभी बताती हूँ, रोज रोज इतनी लेट आते हैं, दिस इज टू मच। पापा इतनी रात हो गई, कहाँ थे आप? अरे बेटा एक बहुत जरूरी मीटिंग था, अटेंड करने गया था। पापा जब आप इतने थक जाते हैं तो क्यों इतनी भागदौड़ करते हैं? ओह कम ऑन माय लव, तुम जानते हो हम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं एक साइंटिस्ट भी है। इस कंट्री को हमारा बहुत जरूरत है, उसके लिए भागदौड़ तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो सब ठीक है पापा, लेकिन आपको अपनी तबीयत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। कम ऑन ग्रैंडमदर, अभी लेक्चर देना बंद करो। मैं जब भी कुछ समझाती हूँ आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब चलिए चलिए, अब हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ। मेरा मूड नहीं, मूड। अब मैं समझी आपका मूड क्यों नहीं है। दिन भर हॉस्पिटल में मरीजों के साथ दिमाग खराब करके आते हैं और रात भर लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ना ठीक से खाते हैं ना सोते हैं। आपके जो मन में आए कीजिए, मुझे क्या। Thank you.
मिसेस विलियम, आपके पति की मौत कैसे हुई थी? उन्हें ब्रेन ट्यूमर था इंस्पेक्टर, ऑपरेशन के टाइम ही ऑपरेशन थिएटर में उनकी मौत हो गई। वैसे ही ऑपरेशन किस हॉस्पिटल में हुआ था? डॉक्टर जॉन के नर्सिंग होम में। इंस्पेक्टर, कितने अफसोस की बात है, पहले तो जिंदा इंसान को लोग चैन से जीने नहीं देते, लेकिन अब मरने के बाद लोग उन्हें चैन की नींद सोने नहीं देते। फादर, क्या आप यहीं चर्च में रहते हैं? यस। रात को कोई कब्र खोद कर लाश निकाल कर ले गया और आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं इंस्पेक्टर, मेरा कमरा चर्च के पीछे है, ये सब कैसे हुआ पता ही नहीं चला। फादर, वैसे आपको क्या लगता है ये किसकी हरकत हो सकती है, किसी जानवर या इंसान की? सन, इंसान मिट्टी का बना है, मरने के बाद ये बॉडी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती है, मिट्टी भरा इंसान के किस काम की? सर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने सोने और चांदी की लालच में कब्र खोदी हो? जो लोग बिना खाए खाली पेट मर जाते हैं, उन गरीबों की लाशों के साथ सोना चांदी कौन दफन करेगा? फादर का कहना बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर, आप ही सोचिए, अगर किसी ने सोना चांदी के लालच में कब्र खोदी है तो वो सोना चांदी ले जाएगा, लाश ले जाकर वो क्या करेगा? क्यों, ठीक है ना? यहाँ अभी ठीक तरह से पूछताछ भी नहीं हुई और तुम यहाँ टपकी? मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ इंस्पेक्टर, और प्रेस वाले हमेशा एक सनसनीखेज न्यूज हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे कहाँ तक पहुँचे आप, मेरी कुछ मदद की जरूरत है? जी नहीं, आप अपना काम कीजिए। ओके ओके इंस्पेक्टर, एज यू विश। क्या जमाना आ गया है, लोग जिंदा तो जिंदा मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग शारु, इतनी सुबह सुबह क्यों, क्या इस वक्त तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मामला कुछ समझ में नहीं आता, या तो तुम आधी रात के बाद आती हो या फिर सुबह सुबह टपक पड़ती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यहाँ कभी भी किसी भी वक्त आ सकती हूँ, है किसी में इतनी हिम्मत जो मुझे रोक ले? अरे जनाब, एक जर्नलिस्ट को रोककर कौन अपनी शामत बुलाएगा? सिर्फ जर्नलिस्ट कहकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ग्रेट जर्नलिस्ट कहो। हाँ, ग्रेट जर्नलिस्ट कहो मेरी। ग्रेट जर्नलिस्ट, आज क्या न्यूज सुनाने आई हो? डॉक्टरों की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, घर की चार दीवारी और हॉस्पिटल की छत के सिवा तुमने देखा ही क्या है? जरा बाहर निकल कर देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, क्या क्या हो रहा है? पता है, आज बरसोवा के कब्रिस्तान से एक लाश गायब हो गई। अफवाह होगी, ऐसी कई बातें रोज सुनने को मिलती है। अरे बाबा, ये अफवाह नहीं है, मैं खुद अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। हाँ, तो किसी जानवर ने कब्र खोद कर लाश बाहर निकाल ली होगी। कब्र को देख कर तो लगता है कि कब्र किसी आदमी ने खोदी है। आज के जमाने में इंसान को जिंदा इंसान की कदर नहीं तो कोई भला लाश ले जाकर क्या करेगा? ये तो लाश ले जाने वाला ही बता सकता है, उन्हें जिसे मुर्दे की जरूरत पड़ गई। ये हरकत किसी इंसान की नहीं, किसी शैतान की हो सकती है। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर राजेश कामले। जॉन डी कॉस्टर, बैठिए। थैंक यू।
फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर जॉन, दो रोज पहले आपने एक आदमी का ऑपरेशन किया था जो ऑपरेशन थिएटर में ही मर गया। यस। मैं उसी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। मुझे? उस आदमी का कब से इलाज कर रहे थे आप? तकरीबन 6 महीने से। जब आपने उसका ऑपरेशन किया तब वो बीमारी के कौन से स्टेज पर था? लास्ट स्टेज पर। डॉक्टर जॉन, जब आदमी ब्रेन ट्यूमर के लास्ट स्टेज पर पहुंचता है तब उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। क्या ऐसे में उसका ऑपरेशन करना ठीक है? इंस्पेक्टर, जब ऐसी बीमारी आखिरी स्टेज पे पहुंच जाती है तब इंसान तकरीबन मौत के मुंह में पहुंच चुका होता है। उस समय हर पेशेंट यही सोचता है कि जब मरना ही है तो क्यों ना जिंदा रहने के लिए एक आखिरी कोशिश की जाए। बेचारे विलियम ने भी यही सोचा, और एक डॉक्टर होने के नाते उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे एक आखिरी लेकिन नाकाम कोशिश करनी पड़ी। अफसोस आप उसे बचा नहीं पाए, और उस बेचारे की बदकिस्मती देखिए, मरने के बाद भी उसे चैन नसीब नहीं हुआ। क्या मतलब? कल रात उसकी लाश कब्र से गायब हो गई। लाश कब्र से गायब हो गई? अगर कैसे? पता नहीं ये किसकी हरकत है और वो क्या चाहता है। I'm sorry, डॉक्टर, क्या आपको? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे हल्की सी दमे की बीमारी है। इंस्पेक्टर, बीमारी आदमी और औदा देखकर नहीं आती। अरे भाई, और कुछ पूछना है आपको? जी नहीं, नो थैंक्स। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर, सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नो प्रॉब्लम, गुड डे, ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ विनोद, क्या बात है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वह पुलिस वाला सुबह सुबह उल्टे से सवाल कर रहा था। कैसे सवाल सर? वो विलियम है ना? हाँ? वो जिसकी डेथ ऑपरेशन थिएटर में हो गई थी जी, उसकी लाश खबर से गायब हो गई है, वो उसके बारे में मुझसे पूछ रहा था। हाउ द हेल डू आई नो? सर ये न्यूज़ आज सुबह मैंने भी सुनी, एक लाश खबर से गायब है, अजीब की बात है। अरे ये दौर ही कुछ ऐसा है, आज हर बात मुमकिन है। बाय द वे, मैंने अपनी लेबोरेटरी में ह्यूमन फिजियोलॉजी के नर्वस सिस्टम पर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसका रिजल्ट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। विनोद, आज शाम को तुम मेरे घर पे आ रहे हो, एंड लिसन, खाना भी मेरे साथ खाओगे। यस सर। जब से मुझे पापा ने कहा कि तुम डिनर पर आ रहे हो, मैं बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ ना, अंदर आओ ना। आ जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं जो हूँ। बैठो ना। विनय, मैं सोच रही हूँ क्यों हम डिनर के बाद एक लॉन्ग ड्राइव पर चलें। कहाँ है डॉक्टर जॉन, नजर नहीं आ रहे। विनय, मैं जब भी तुमसे दिल की बातें कहती हूँ तुम हमेशा टाल जाते हो, मेरी बातें ध्यान से क्यों नहीं सुनते? पता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, और तुम होगे तुम्हें एक बार हाँ कह दो, मैं पापा को मना लूंगी। देखो अभी तुम इस तरह की बातें मेरे साथ मत किया करो, कहीं तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा और हम शादी कर लेंगे। Oh, hello, young man. Good evening, sir. Good evening to you. Come on, sir. Bas, I just came, sir.
वेरी गुड वेरी गुड। पापा डिनर लगा दो। हाँ नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, मैं विनोद को एक नया एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देन डिनर। ओ पापा मैं परेशान हो गई हूँ आपके एक्सपेरिमेंट से। जाइए जाकर कीजिए आपके एक्सपेरिमेंट। She's a doll, but you come. Say, son, ये मेरी छोटी सी लेबोरेटरी है। It's beautiful. यहाँ मुझे हर किस्म की फैसिलिटी है। इस लेबोरेटरी में मैं जिंदगी और मौत के बीच का फासला नापता रहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं समझाता हूँ बेटे। बरसों से इस लेबोरेटरी में मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करता आया हूँ, और आज मेरी रिसर्च इस मुकाम पर पहुंची है जहां मेरा तजुर्बा कहता है कि स्केलेटन बनने से पहले एक मुर्दा जिस्म को दोबारा जिंदगी दी जा सकती है। विनोद, मौत इंसान के जिस्म की हरकतों को बंद कर देती है, सांसों को छीन लेती है, दिल की धड़कनों को रोक देती है, लेकिन दिमाग पर काबू नहीं कर सकती। मरने के बाद भी इंसान का दिमाग जिंदा रहता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है विनोद, हो सकता है। एक मरा हुआ इंसान अपने आसपास रोते हुए रिश्तेदारों की आवाजें सुन सकता है, महसूस कर सकता है, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, वो हरकत करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, वो महसूस करता है कि उसकी लाश को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, उसे कॉफिन में डालकर जमीन की गहराइयों में उतारा जा रहा है, उस पर मट्टी डाली जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आवाजें कम होती जा रही है, जिंदगी का शोर मौत के सन्नाटे में बदलता जा रहा है। लेकिन डॉक्टर जॉन, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है। दफन करने के बाद भी एक मरे हुए आदमी को मौसम बदलने का एहसास होता है, वो महसूस करता है हर बिजली चमक रही है, अब बारिश होगी, और बारिश की बूंदें धीरे धीरे कब्र का सीना चीरते हुए उसके कफन में पहुंचेंगी। वो कुछ कहना चाहता है, वो चाहता है कोई उसे बाहर निकाले, लेकिन अफसोस कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो एक लाश है। आहिस्ता आहिस्ता कीड़े मकोड़े उसके कॉफिन में घुसकर उसके जिस्म को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं, और एक दिन वही कीड़े दीमक बनकर उसके दिमाग को भी चढ़ जाते हैं। असली मौत इंसान की उस दिन होती है, उसकी हस्ती मट्टी में मिलकर मट्टी हो जाती है, और मैं इंसान को मट्टी होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जिससे मुर्दा जिस्मों में भी जान डाली जा सकती है।